हालेलुया हालेलुया हेवनली मन्ना के एपिसोड नंबर 36 में आप सबका हम फिर से स्वागत करते हैं। मैं पास्टर डेविड सिस्टर स्टेला हालेलुया प्रभु आप सबको आशीष करें। आज के हेवनली मन्ना हम पढ़ेंगे वचन को पढ़ेंगे प्रभु का वचन को पढ़ेंगे प्रगतिकरण 12 अध्याय और 12वां वचन। इस कारण हे ईश्वर को और उनमें रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उत्तर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। हालेलुया 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 प्रभु के वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु को। सचमुच हालेलुया शैतान का समय कम होते जा रहा है। हालेलुया प्रभु हालेलुया उसे बांधने वाला है और उसे उस आग के कुंड में डालने वाला है। एक 5 साल के बच्चे को कहा गया कि प्रार्थना करो। जब वो प्रार्थना करने लगा तो सबसे पहले उसने शैतान को डांटा और कहा शैतान तू हारा हुआ है। हालेलुया तू हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यीशु मसीह ने तुझे हराया है। सचमुच यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हालेलुया आज इस संसार में पाप बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान गुस्से में है। हालेलुया वो जानता है कि उसका थोड़ा सा समय बाकी है और वो लोगों को भड़का रहा है, लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, उन्हें परमेश्वर के वचन से वंचित कर रहा है, परमेश्वर के उपस्थिति से दूर लेके जा रहा है। शैतान जानता है कि उसका थोड़ा सा समय बाकी है। हमको भी ये जानना है कि हमारा भी थोड़ा सा समय इस पृथ्वी पर बाकी है। हमारा प्रभु आने वाला है, हम सबको ले जाने वाला है। भजन संहिता उसका 9:10 में कहता है हमारा जो साल है 70-80 वर्ष का साल है, जिंदगी है हमारी। हालेलुया परंतु प्रभु ने जो जीवन हमें दिया है वो आशीष जीवन है। इसके बाद हमेशा हम इस जगह को छोड़कर प्रभु परमेश्वर के साथ हालेलुया यीशु मसीह के साथ हालेलुया स्वर्ग में जाने वाले हैं। दो जगह है, स्वर्ग या नरक। इसके बाद हमें चुनना है कि हमें क्या जाना है। हम सिर्फ दो ही जगह पे जाएंगे और कोई दूसरा जगह नहीं है, या स्वर्ग अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ है, उसके वचन के आज्ञाकारी में अपने जीवन को बिता रहे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम नरक में जाएंगे। एक प्रभु के दास के पास शैतान आया और कहने लगा कि तू तो पापी है। उस दास से कहने लगा तू पापी है, तूने फलाना फलाना समय में झूठ बोला है, तूने लोगों को धोखा दिया है, हालेलुया तूने बहुत से पाप किया है। तो प्रभु का दास सब लिखता है पेपर पे। हालेलुया शैतान जो भी उससे कह रहा है, ये पाप किया वो पाप किया सब पाप किया उसने लिखा और अंत में उसने पर्ची पर लिखा 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन उसने लिखा पर यदि जैसा वो ज्योति पर यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति वैसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता एक दूसरे के सहभागिता रखते और हाँ उसके पुत्र यीशु हमें एक दूसरे के सहभागिता हम रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू ने हमें सब पापों से शुद्ध किया है। वो यीशु मसीह का लहू से डरता है। शैतान वहां से भाग गया, उसने लिखा 1 यूहन्ना उसका 1:7 तो तुरंत शैतान वहां से भाग गया। इसलिए प्रभु का वचन जो लिखा है हमें कहना है शैतान उसे डरता है। सचमुच शैतान हारा हुआ है, उसको लिखा हुआ वचन दिखाना चाहिए। प्रभु का वचन स्थिर है,
उसके बड़े नाम से उसने अपने वचन को महत्व दिया है। प्रभु का वचन कहता है, वो वचन से डरता है। हमें वचन को लेकर चलना है, वचन हमारा अधिकार है। और इस पर विश्वास करके हम स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए आज का जो वचन है प्रकाशित वाक्य, उसका 12:12 इस कारण है, स्वर्ग और उनके रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। वो लोगों को भड़का रहा है, लोगों को परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। इस संसार में प्रभु के लोगों के खिलाफ लोग आ रहे हैं, शैतान का कार्य, लोगों का कार्य नहीं है। उसके पीछे एक शक्ति है, वो शैतान का शक्ति है, जो प्रभु के लोग, प्रभु के विश्वासी लोग आज इज़राइल के खिलाफ दुश्मन उठा है, युद्ध कर रहा है। ये शैतान का कार्य है, उसका समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा सा समय और बाकी है। शैतान का समय समाप्त हो, वो हारा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो थोड़ा समय के लिए आनंद बना सकता है, प्रभु के लोगों को मार सकता है, परंतु उनके ईमान, उनके विश्वास को जो उनके दिल में है प्रभु यीशु मसीह, उनको वो निकाल नहीं सकता, उनको वो नाश नहीं कर सकता। हमारा ईमान मजबूत है, हमारा विश्वास मजबूत है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा यीशु मसीह ने हमें खरीदा है और हमें नया जीवन दिया है। इसलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष करें। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें नया जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ। सचमुच विजय हुआ प्रभु, हालेलुया। तूने शैतान के सर को कुचल दिया प्रभु, तूने पाप पर, हालेलुया, ओ जीसस, जो हमारा जीवन में प्रभुता कर रहा था, उस पाप को, उस श्राप को, उस बुराई को तूने अपने लहू के द्वारा धो दिया प्रभु, हालेलुया। सचमुच तेरे लहू में सामर्थ है प्रभु, हालेलुया। तू एबल के लहू से, हालेलुया, तेरा लहू उत्तम बात करते प्रभु, हालेलुया, तेरा लहू सामर्थ्य लहू है। आज हम धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि तूने शैतान के सर को कुचल दिया, हालेलुया। हालेलुया, वो हारा हुआ है प्रभु, हालेलुया, और तूने हमें एक विजय जीवन दिया है। आज हम धन्यवाद करते, जो दुष्परिमान लाते, जो विश्वास करते, वो एक
हारा हुआ जीवन नहीं परंतु एक विजय जीवन जीता है। आज हम धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया, इन वचनों के द्वारा लोग आशीष पाए, चंगाए पाए, छुटकारा पाए, नया जीवन पाए प्रभु हालेलुया। तमाम आशीष हालेलुया लोगों के जीवन में तू दिलवाना खुदा, हर जरूरत को तू पूरा कर, हर प्रेयर रिक्वेस्ट को तू उत्तर दे प्रभु हालेलुया। हालेलुया तेरा हर एक आत्म की इच्छा प्रभु लोगों के जीवन में तू पूरा कर प्रभु, हर एक परिवार को व्यक्ति के जीवन को तू ब्लेस कर प्रभु हालेलुया, और वो आशीष पाते रहेंगे बहुत तैयार से प्रभु हालेलुया। ये वचन उनके जीवन में फलदायक हो ताकि वो हारा जीवन नहीं, हारा हुआ जीवन नहीं परंतु एक विजय जीवन जिए हालेलुया, क्योंकि तूने अपने लोक के द्वारा हमें खरीदा है और अपने लोक के द्वारा तूने हमें हमने विजय प्राप्त की है प्रभु हालेलुया, हमने जय प्राप्त की है। आज हम धन्यवाद करते प्रभु शैतान के हर शक्ति के ऊपर हालेलुया, तूने हमें अधिकार दिया है। आज हम धन्यवाद करते प्रभु इन वचनों के द्वारा लोग बहुत से सौगुण आशीष फलदायक हो उनका जीवन, ऐसा मान आशीष देने वाला पिता हमने मांगा तूने दिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते सुन और कबूल कीजिए पिता, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।